देखिए भाई, आप सभी को इंतज़ार था कि बीएससी सेकंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब अपलोड करेंगे आप। आप बोल रहे थे, आपके इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, आप यही क्वेश्चन रोज कर रहे हो कि बीएससी सेकंड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए। कब डालोगे? सबका डाल रहे हो आप, हमारी बारी कब आएगी? भाई आपकी बारी आ चुकी है, आपका नंबर आ चुका है, आपके ही आज क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बीएससी सेकंड ईयर का, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर दो हजार चौबीस परीक्षा के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चीजें देख के मेरे को बहुत हंसी आती है। 12th क्लास में मेरे साथ एक सीन हुआ था। मैंने क्या है कि ऐसे लिख रखा था, क्या लिख रखा था मैंने, ऐसे लिख रखा था केमिस्ट्री, कैसे, ऐसे मिला के ऐसे लिख रखा था। अब मेरा दोस्त था एक, बोला यार तेरे को केमिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं आती, तूने केमिस्ट्री को कैसे लिख रखा है? उसको एक के लगा था, बोला यार तूने कैसे लिख रखा है, तूने के बना रखा है। उसको ऐसा लगा था कि मैंने ये सी एच लिख रखा है, के लगा है, तो वो केमिस्ट्री लिखता हूँ तब तब याद आता है कि वो उस टाइम पे मैं सही था वो गलत था, लेकिन बोलता था नहीं यार तूने के लिख रखा है, तूने के बना रखा है और ऐसे लिख रखा है केमिस्ट्री। मैं कि भाई सी एच है, बोला यार तू झूठ बोल रहा है। मैं कि छोड़ो कोई ना, वो चीज़ अभी याद आ जाती है मेरे को यार, है ना, तो कोई ना, अपन छोड़ो इस चीज़ को, कहाँ पहुँच गए यार। अपन नोट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब पहला क्वेश्चन नोट करो, किरकहॉफ समीकरण दूसरा है ऊष्मा गति के नियम। देखो यार आपको पता है, आपने देखा होगा, मैं जो क्वेश्चन एक बार बता दिया वो एग्जाम में आएगा, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, वो एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ये चीज़ का आप 2 से 3 साल हो गए मेरे को क्वेश्चन बताते हुए, तो आप देखते हो कि जो क्वेश्चन मैंने बता दिया एग्जाम में आता है। यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा ना तो टाइम वेस्ट होगा, बाकी जिनको पता है मैं जो बताता हूँ वो आता है, वो मॉडल पेपर लेते हैं एग्जाम से पहले। और प्रूफ देखना है तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख लेना, मैंने जो बताया उसमें से कितना आया वो प्रूफ में कंप्लीट वीडियो में है। अगला है क्वेश्चन, विस्तीर्ण गुणधर्म एवं गहन गुणधर्म गहन गुणधर्म है, नोट कर लिया ना? देखो स्क्रीनशॉट ले लो। तो बोलोगे यार आपने ऊपर कर दिया, टाइम नहीं लगा, आप सेकंड यूनिट से नोट करो। ला साते लिए सिद्धांत। अगला है गिब्स हेल्म वोल्टेज की सार्थकता। ठीक है, ये नोट कर लो। अगला है कार्नो चक्र, कार्नो चक्र अगली यूनिट से नोट करो। हेनरी का नियम,
हेनरी का, आप लोग बोलते हो ना सही नहीं लिखते यार, सही सही लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। अगला है आदर्श अनादर्श। आदर्श और अनादर्श विलियन राहुल के नियम द्वारा, और राहुल का नियम भी आ सकता है। राहुल का नियम क्या होता है? राहुल का नियम जो आदर्श और अनादर्श नियम का पालन करते हैं वो तो राहुल का नियम होता है। शायद ये 12th क्लास में पढ़ा था, याद है नहीं, मैं बता रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे को 5 साल हो गए भाई केमिस्ट्री छोड़े हुए। जूलॉजी पढ़ता हूँ, जूलॉजी की चीजें आती है वाला, केमिस्ट्री केमिस्ट्री गई थे लेने। के पी और के सी में संबंध, सॉरी अरे यार कहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया। अगला है जल तंत्र का प्रावस्था आरेख। अरे यार कितना लंबा क्या हो खिस गया ये। अगला प्रावस्था आरेख, लास्ट यूनिट से देखो कितना बड़ा वीडियो हो गया, बहुत बड़ा वीडियो हो गया यार, टाइम पता ही नहीं चलता। ये मैंने आपको 50% क्वेश्चन बता दिए हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं दो, एक यूनिट से, एक ऊपर एक नीचे। अब इस क्वेश्चन में एक में चार होते हैं, ए बी सी डी, तो चार क्वेश्चन तो ये हो गए, इसमें भी चार होते हैं। आप सोचो बहुत बड़ा पेपर आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। आपका पेपर देखोगे, पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डिवाइड होके आते हैं केमिस्ट्री में यार। एक प्लस एक प्लस तीन, अब कितना हो गया, पांच का हो गया, प्लस एक और कर देगा इसमें, या फिर तीन प्लस तीन दो प्लस सवा तीन, या फिर 3.5 प्लस में एक सवा कर देगा, दो कर देगा, टोटल 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपके। ऐसे डिवाइड करके देते हैं, बहुत क्वेश्चन बढ़ा देते हैं यार। अगला है कॉले राउस का नियम। कॉले राउस का नियम ओस्टवाल्ड तनुता का नियम लिख लो यार, है ना, जल्दबाजी में लिख रहा हूं तो सुनाई तो दे रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं 50% आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, 50% बाकी है। मॉडल पेपर पेड रहता है, जिसको पेपर वगैरह चाहिए डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे रखा है, कांटेक्ट कर सकता है। बाकी ये क्वेश्चन पढ़ के आप आराम से 12 नंबर प्राप्त कर सकते हो, 12 नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि आपको 33 में से 12 नंबर चाहिए होते हैं। पेपर अच्छे से करना, क्योंकि आपका 3,000 रुपये तो आपका फीस लगा होगा, करीब 3,000 क्योंकि बहुत पैसा लगा है। यूनिवर्सिटी पैसे कमाने पर ध्यान दे रही है, स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ कर रही है, सबको पता है, मुझे भी पता है। तो अच्छे से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना कमेंट में, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे उनको भी एग्जाम में हेल्प मिल जाएगा। तो अब वीडियो एंड करते हैं, आपको पता होगा जो बताता हूँ वो आता है, तो इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे पक्का पक्का मिलेंगे, कुछ ना कुछ पक्का मिलेंगे, कुछ ना कुछ क्या भाई 70-80% क्वेश्चन मिलते हैं मेरे, पढ़ के जाना। ये हालांकि सप्लीमेंट्री है, ईयरली का तो एक भी पेपर फेल नहीं गया मेरे पेपर से। सप्लीमेंट्री का मतलब पेपर पैटर्न अलग बन के आता है, इसलिए इसका फिक्स नहीं है कितना मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो कोई ना, आप वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो।